हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को आज ED करेंट लॉस एवं हैटरेसिस लॉस के बारे में बताएंगे। चलिए क्रम से जान लें और ऐसे ईडी करेंट लॉस और हैटरेसिस लॉस जो ये शब्दावली है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एग्जामिनेशन के व्यू से, चाहे आप भेल, इसरो, DRDO, स्टेट सरकार या किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन विद्यार्थियों के लिए खास करके ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्रम से हम लोग देखते हैं कि इसी को एडी करंट, यानी हम लोग कहते हैं भंवर धारा हिंदी में। एडी करंट को एडी करंट इंग्लिश नाम है इसका, हिंदी में इसको बोलते हैं भंवर धारा। एडी करंट लॉस को पहले हम लोग जाने, फिर क्रम से देखेंगे। ये जो हम ये एडी करंट लॉस का जो ये फार्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम इसको जान लें कि एडी करंट लॉस है क्या, ये एडी करंट कहते किसको है। एडी करंट को समझना है, हमने क्या किया, एक अस्थाई चुंबक को लिए हैं और इस अस्थाई चुंबक में किसी भी चालक को हम क्या किए हैं, रखे हुए हैं। ठीक है, ये अस्थाई चुंबक है और ये मेरा चालक। जब किसी चालक को अस्थाई चुंबक में रख करके घुमाया जाता है तो ये चालक में क्या होता है, ये जो चालक है इसमें EMF उत्पन्न होता है, यानी चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी किसी भी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रख करके घुमाएंगे तो उस चालक में EMF उत्पन्न होगा और इस EMF के कारण ही इस चालक में करंट प्रवाह होने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं ईडी करंट। क्लियर है, समझ में आ गया? और उसके कारण जो कोई भी हानि हो गया या लॉसेस होगा तो उसको कहेंगे ईडी करंट लॉसेस। अब ईडी करंट लॉसेस में हम लोग क्या करते हैं कि कम करने के लिए, ईडी करंट लॉस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग आर्मेचर का जो कोर बनाया जाता है वो लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, लेमिनेटेड पत्ती बनाया जाता है, लेमिनेटेड करके। ठीक है, अब रही बात कि आप आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड नहीं करेंगे और उसके जगह पे मान लीजिए आपका मन करे कि नहीं हम ठोस लोहे का कोर प्रयोग करें तो क्या होगा। एक तरफ हम कर रहे हैं तो आर्मेचर कोर जो है ना लेमिनेटेड हम प्रयोग कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ईडी करेंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं। कोर जो होता है आर्मेचर का वो लेमिनेटेड करना है तभी वो ईडी करेंट लॉस कम होगा। अगर आपका मन करे कि नहीं आर्मेचर लेमिनेटेड कोर की जगह हम ठोस लोहे का कोर प्रयोग करें तो क्या होगा। अगर आप यहाँ ठोस लोहे का कोर प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इस ठोस लोहे का कोर का क्या होगा, प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो जब प्रतिरोध बहुत कम होगा तो उससे क्या होगा कि धारा बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। क्लियर है, जब प्रतिरोध कम है तो जाहिर सी बात है कि उसमें धारा ज़्यादा होगा। ऐसे V=IR देखिए, तो V/I = क्या हो गया आर, यानी ये कम है तो ये क्या होगा करंट उससे ज़्यादा फ्लो होगा। जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो I²R क्या होगा, लॉसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब लॉसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उस मशीन की इफिशेंसी क्या होगी, दक्षता क्या होगी, घट जाएगा। इसलिए
हम लोग आर्मेचर लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। उसके जगह पे हम लोग कभी भी ठोस लोहे का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो अभी जस्ट हमने देखा कि ठोस लोहे का कोर का प्रतिरोध कम होता है, कम होने के कारण उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होगा, जब लॉसेस ज़्यादा होगा तो उसकी इफिशेंसी घट जाएगी। क्लियर? ओके, अब चलते हैं इस लॉसेस से फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। PE इज इक्वल टू KE B मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर B। सबका क्रम से जान लीजिए। PE क्या होता है? भंवर धारा हानि, एडी करंट लॉस जिसको हम वाट में मेजर करेंगे। KE का क्या होता है? भंवर धारा स्थिरांक है, ये मेरा स्थिरांक है। फिर बी मैक्स का क्या होता है? महत्तम फ्लक्स घनत्व जिसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर एफ जो यहाँ लिए हुए हैं, एफ होता है आवृत्ति। टी क्या है? पदार्थ का मोटाई, इसको एम में मेजर करेंगे। और भी मतलब क्या होता है? पदार्थ का यहाँ पे आयतन है। आपको पूछेगा कि ईडी करेंट लॉस फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के क्या होता है? वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। देखिए कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, ईडी करेंट लॉस थिकनेस के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है, ईडी करेंट लॉस फ्लक्स घनत्व डेंसिटी के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। यानी इस पे ये सारा क्या है, डिपेंड करता है। बी मैक्स पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे करता है, थिकनेस पे भी करता है और इसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। कुछ भी पूछने के पूछ सकता है कि भंवर धारा फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। आप ये बोलेगा वर्ग के स्क्वायर के सीधा समानुपाती। फिर ईडी करेंट लॉस थिकनेस के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। इस तरह आप याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग हाइड्रेसिस हानि को, हाइड्रेसिस लॉस को समझिए। हाइड्रेसिस लॉस क्या होता है? कोई भी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। वो पदार्थ क्या होता है? निरंतर गतिशील होता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी सपोज कीजिए ये पदार्थ है, तो ये छोटे छोटे कणों से जो मिल करके हो रहा है, तो एक बार पदार्थ क्या होता है, इधर से मान लीजिए मेरा चुंबक बन रहा है, इधर से ये क्या एक बार गया, चुंबकित हो गया, करंट दिए, इसमें क्या एक बार चुंबक का प्रभाव बना ऐसे, अब फिर उधर से जो वापस आया फिर क्या हो रहा है, विचुंबकित हो रहा है। पदार्थ एक बार चुंबक बना, फिर पदार्थ एक बार चुंबक बना, फिर उसको विचुंबकन करने में विचुंबकित हो रहा है। एक बार चुंबक किए, चुंबकित किए, फिर उसको विचुंबकित किए, तो करने में क्या होता है कि इस क्रम में अवशिष्ट चुंबकत्व को निराकृत करने में, मतलब बचा हुआ जो चुंबक है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, निराकृत करते हैं, न्यूट्रलाइज करने में होने वाला विद्युत शक्ति व्यय को ही हम लोग कहते हैं हाइड्रेसिस हानि। यानी एक बार पदार्थ क्या हुआ, चुंबकित हो, और फिर विचुंबकित करने में अवशिष्ट चुंबक को क्या करता है, निराकृत करने में, यानी उसको न्यूट्रलाइज करने में होने वाला विद्युत शक्ति का व्यय होता है। यहाँ पे क्या होता है, होने में विद्युत शक्ति का जो व्यय हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेसिस हानि कहते हैं। यानी आप सीधे सिर्फ कहिएगा, कोई पदार्थ को चुंबकित और विचुंबकित करने में जो हमारा विद्युत शक्ति का हानि हो रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे हाइड्रेसिस लॉस। अब क्या करते हैं कि देखिए, जब हानि हो रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। विचुंबकित करें तो गर्मी तो देगा ना, इस क्षति के कारण चुंबकीय पदार्थ गर्म हो जाता है। सही से बात है, चुंबकीय पदार्थ जब होगा हीट होगा, चुंबक बना, फिर चुंबकित विचुंबकित करने में, तो वहाँ पर क्या होगा, वो चुंबकीय पदार्थ गर्म होने लगेगा। जब वो गर्म होगा
गर्म हो जाएगा, क्योंकि विद्युत ऊर्जा क्या होगा, हाइड्रेसिस क्षति के कारण उसमें ऊर्जा परिवर्तित होगी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या हुआ, हाइड्रेसिस ऊर्जा की क्षति के कारण वो क्या उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए ये जो है ना हाइड्रेसिस हानि को कम करने के लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम हाइड्रेसिस हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रेसिस वाला पदार्थ हम यूज करते हैं, यानी हम कहेंगे वहाँ पे सिलिकन स्टील का प्रयोग करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी कभी आपको दे देगा कि हाइड्रेसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकन स्टील के प्लेस पे दे देगा यहाँ पे हाइड्रेसिस वाला पदार्थ, तो आप इस ये भी समझिए कि हाइड्रेसिस वाला पदार्थ ही सिलिकन स्टील होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है हाइड्रेसिस हानि के लिए, पी एच के एच एफ बी मैक्स 1.6 इंटू बी, जहाँ क्रम से जानिए f क्या है, आवृत्ति है, f b max अधिकतम प्लस घनत्व, जैसे ऊपर में देखें kh हाइड्रेसिस स्थिरांक, h मतलब हाइड्रेसिस और b मतलब आयतन। ठीक है, इतने पे ये डिपेंड करता है, आपको पूछेगा हाइड्रेसिस ऑन फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, सीधा समानुपाती होती है, आयतन के क्या होता है, सीधा समानुपाती होती है। तो मेन है कि हम हाइड्रेसिस ऑनि को कैसे कम कर सकते हैं, ये जो है ना हाइड्रेसिस स्थिरांक वाला जो हम पदार्थ लेंगे उसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रेसिस हानि को कम कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं सिलिकन स्टील का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक तथा सब्सक्राइब करें, और यदि नए विद्यार्थी कोई इस वीडियो को देख रहे हों तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लाइक तथा शेयर करें, और यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत यदि प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।